आखिर 3 दिनों की लंबी जहदोजहद के बाद श्रीदेवी का पार्थिव शरीर भारत पहुंच गया। इसको लेने के लिए अनिल कपूर पहले से ही मुंबई एयरपोर्ट पर निकल पड़े, जहां बोनी कपूर श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को लेकर चल रहे पूरे प्रकरण के बाद अब भारत लौट आई है चांदनी, और चांदनी के इंतजार में पूरा देश तड़प रहा था। और अब मिस्टर इंडिया घर से निकले हैं, अनिल कपूर घर से निकले और अपने भाई को और अपने भाभी के पार्थिव शरीर को लेने के लिए वो मुंबई एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दूं कि अनिल कपूर भी उस शादी में गए थे, उस शादी में शिरकत की थी, उस शादी के खत्म होने के बाद वो भारत वापस आ गए थे, लेकिन जानवी, श्रीदेवी और बोनी कपूर वहीं पर रुके हुए थे। श्रीदेवी की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी शनिवार को, उसके बाद 3 दिन लगे श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को भारत तक आने में। अब एक प्राइवेट जेट के जरिए श्रीदेवी का पार्थिव शरीर मुंबई एयरपोर्ट पर आने वाला है, और उनको रिसीव करने के लिए और अपने भाई का साथ देने के लिए अनिल कपूर घर से निकल पड़े हैं मुंबई एयरपोर्ट की तरफ। तो मुंबई एयरपोर्ट पर अनिल कपूर जाएंगे अपने भाई बोनी कपूर के साथ, अपनी मृत भाभी का शरीर लेकर वो पहुंचेंगे भाग्या, जो जगह है, जो घर है उनके पार्थिव शरीर को कल सुबह 9:30 बजे से आम जनता के लिए दर्शन के लिए रखा जाएगा। 3:30 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा।